दोस्तों जल्दी से आप अपने चैनल आर गुरु जी को सब्सक्राइब करें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि आपका इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बच्चों सभी बहुत बढ़िया होंगे और लिटरेचर काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे, है ना। तो बच्चों, आज हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से एक और चैप्टर पढ़ेंगे और ये है रेनिसा एंड रिफॉर्मेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है समझने के लिए कि रेनिसा क्या था, रिफॉर्मेशन क्या था। आप लोगों को इसमें इस चैप्टर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पता चलेगी, क्योंकि इसके बाद में जब एलिजाबेथन एज शुरू होगा, है ना, तो आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके से लिटरेचर का, कल्चर का, इनका कैसे प्रचार प्रसार हुआ। मतलब कहाँ मिडिल एजेस से हम निकल के इतने बड़े बदलाव में आए। मतलब एक जो बदलाव हुआ वो बदलाव क्यों हुआ, क्या हुआ ऐसा उस पीरियड में जिससे बाद में पूरा पूरा लिटरेचर बदल गया, कह सकते हैं पूरा पूरा एनवायरनमेंट बदल गया, धर्म बदल गया, सब चीज़ें बदल गई। तो ये बदलाव क्यों हुआ वो पूरा इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि रेनिसा क्या था, रिफॉर्मेशन क्या था। रेनिसा और रिफॉर्मेशन केवल लिटरेचर में ही नहीं, हिस्ट्री में भी काम आते हैं, पॉलिटिकल साइंस में भी काम आते हैं, सोशियोलॉजी में भी काम आते हैं, सब जगह काम आते हैं। ठीक है, तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आज। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। तो देखो, 15 सेंचुरी तक हमने पढ़ लिया, ठीक है। 15 सेंचुरी तक मिडिल एजेस चलती है एक तरीके से, और 15 सेंचुरी के बाद में मिडिल एज खत्म हो जाती है। यानी हमने जो पढ़ा था ना, जो पहले के चैप्टर पढ़े थे, वो सब मिडिल एजेस में आ रहे थे ये, ठीक है। वैसे तो देखा जाए तो लिटरेचर के ऊपर असर तो चौसर के बाद में ही कम हो गया था मिडिल एजेस का, परंतु क्योंकि चौसर खुद ही 15 सेंचुरी में था, तो 15 सेंचुरी यानी कि 14 मतलब 1500 तक मान सकते हो, है ना। तो 15 सेंचुरी के बाद में मिडिल एजेस का अस्तित्व नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि इसके बाद में काफी कुछ बदलाव आए। तो वही पढ़ेंगे, वो बदलाव क्यों आए, क्या रहा। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं रेनिसा क्या है, रेनिसा का अर्थ क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड बी क्लियर अबाउट दिस टर्म रेनिसा, हमें इसके बारे में बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। तो देखो, रीबर्थ या री अवेकनिंग, रेनिसा जो टर्म है ना, यही री, री का मतलब अगेन होता है, ठीक है। और ये नाइसा ये एक्चुअल में बोल सकते, इसका अर्थ है बर्थ, यानी रेनिसा का मतलब होता है रीबर्थ, यानी दोबारा से जन्म लेना, या री अवेकनिंग या दोबारा से जगना, ठीक है। तो किस चीज, क्या जगा, मतलब किसने बर्थ लिया दोबारा, वो था ह्यूमन स्पिरिट ने। इंसान की जो स्पिरिट, इंसान की जो भावना, चेतना, ठीक है, वो ह्यूमन स्पिरिट सो गई थी मिडिल एजेस में। हम पूरी तरीके सो चुके थे, दिमाग हमारी सोचने समझने की शक्ति खो गई थी, सो गई थी। क्या हुआ था उस जमाने में, क्योंकि ये बात पूरी यूरोप की हो रही है, ठीक है, यूरोप में चर्च का असर बहुत ज्यादा था। चर्च ने जो कह दिया वो फाइनल सत्य है। चर्च ने कहा ऐसे चलो तो ऐसे चलना पड़ेगा, चर्च ने कहा वैसे चलो तो वैसे चलना पड़ेगा, चर्च ने कहा ये सही है तो यही सही है, चर्च ने कहा ये गलत है तो ये गलत है। तो इंसान की सोचने समझने की शक्ति खत्म, पूरी तरह से चर्च के कंट्रोल में थे, कह सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मिडिल एजेस में इंसान सो रहा था एक तरीके से, तो वो अपनी उस नींद से जाग गया, वो दोबारा से री अवेकन, जाग गया, री बर्थ, पुनर्जन्म हुआ उसका, उसकी सोचने समझने की शक्ति का पुनर्जन्म हुआ, इसलिए इसको रेनिसा कहते हैं, ठीक है। तो रेनिसा ने क्या किया, दोबारा से इंटरेस्ट जगाया, रिकिंडल, दोबारा से इंटरेस्ट जगाया लोगों का, किसमें, कल्चर में और सिविलाइजेशन में। किसकी कल्चर और किसकी सिविलाइजेशन, किसकी मतलब सभ्यता में, और किसके कल्चर में इंटरेस्ट जगाया, प्राचीन रोम और ग्रीस, यानी पहले पहले काल में, प्राचीन काल में जो रोम और ग्रीस के साम्राज्य थे, उनके जो कल्चर था, उनकी जो सभ्यता थी, उनकी सिविलाइजेशन था, उसमें इंटरेस्ट जगाया। लोगों को पता चला कि हम तो कितने मतलब महान साम्राज्य के हिस्सा थे, किसी जमाने में रोम कितना बड़ा साम्राज्य था, कितना विकसित था, कितना मतलब आर्ट एंड कल्चर सब में विकसित था वो, ठीक है। ग्रीस, ग्रीक क्या बोलते हैं, जो सिविलाइजेशन थी वो कितनी डेवलप्ड थी। तो वो चीजें लोगों को पता चली, उनको इस बात का ज्ञान हुआ, उनको ये ज्ञान कब हुआ, जब उनको इंटरेस्ट जागा एक्चुअल में ये चीज जानने में, समझने में, तो उनका दोबारा इंटरेस्ट डेवलप हुआ रोम और ग्रीस की सिविलाइजेशन और कल्चर को समझने में। तो ये एक्चुअल में देखा जाए तो रेनेसा लेके आया, जब लोग दोबारा जागे, दोबारा सोचने समझने की शक्ति आई, तो एक तरीके से उन्होंने इनको पढ़ा, किनको पढ़ा, रोम और ग्रीस के एंशियंट कल्चर और सिविलाइजेशन को पढ़ा उन्होंने। अब देखो, इसी बीच में एक शब्द आता है ह्यूमनिज्म, ठीक है। ये ह्यूमनिज्म क्या है, तो देखो, जब लोग रोम और ग्रीस के कल्चर सिविलाइजेशन को पढ़ने लगे, तो वही चीज एंशियंट रोम और ग्रीक कल्चर और लिटरेचर को पढ़ना ही, उसको फॉलो करना ही ह्यूमनिज्म कहलाता है। ये टर्म जो ह्यूमनिज्म है, इसका अर्थ यही निकलता है, ये इसके आपस में जुड़े हुए हैं। ह्यूमनिज्म क्या है कि लोगों का जो दोबारा इंटरेस्ट जागा,
पढ़ने में समझने में क्या रोमन और ग्रीक कल्चर और लिटरेचर को समझने पढ़ने का जो इंटरेस्ट जागा उसे ह्यूमैनिज्म बोलते हैं। ये टर्म कैसे हुई, मतलब इसको क्या, इसका क्या मतलब निकलता है? ह्यूमैनिज्म तो ह्यूमन शब्द से बना हुआ है, इसका मतलब है रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी। कि लोगों का धर्म से तो विश्वास उठ रहा था, धर्म से ध्यान भटक रहा था, परंतु मानवता के धर्म की तरफ ध्यान बट रहा था। मतलब एक तो होता है भगवान वाला धर्म और एक है मानवता का धर्म। तो यानी भगवान वाले धर्म से ध्यान हटकर मानवता वाले धर्म की तरफ ध्यान जा रहा था, तो इसे रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी बोल सकते हैं। इसने लोगों का इंटरेस्ट सेकुलर स्टडीज की तरफ लाया रादर देन डिवाइन स्टडीज। डिवाइन स्टडीज कौन सी होती है? भगवान से संबंधित अध्ययन करना, मतलब वो डिवाइन स्टडीज हो गया। यानी कि चर्च या धर्म ग्रंथ वगैरह इन सब का अध्ययन करना, उनसे संबंधित है ना। और एक है सेकुलर स्टडीज। सेकुलर स्टडीज क्या है? धर्म के अलावा बाकी सब कुछ अध्ययन, चाहे वो साइंस का अध्ययन हो, चाहे वो कल्चर का हो, चाहे आर्ट का हो, चाहे लिटरेचर का हो, ये सब सेकुलर अध्ययन कहलाता है, सेकुलर स्टडीज कहलाता है। तो ह्यूमैनिज्म ने क्या किया, इंटरेस्ट जगाया लोगों का सेकुलर स्टडीज की तरफ, कि आपको सेकुलर स्टडीज को पढ़ना चाहिए, इन चीजों को पढ़ना चाहिए, रादर देन डिवाइन, रादर देन ये धर्म की चीजों को पढ़ने के बजाय। ठीक है, तो ये चीज, तो ये जो इंटरेस्ट आया रोमन और क्या बोलते हैं ग्रीक लिटरेचर की तरफ लोगों का, ये ह्यूमनिज्म कहलाता है। और इसी ह्यूमनिज्म बोल सकते हो कि ये जुड़ा हुआ है रेनिसा के साथ में। ठीक है, वो अभी मैंने अभी जस्ट बताया कैसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि रेनिसा ने लोगों को जगाया और उनका ध्यान कहाँ ले गए, ह्यूमनिज्म की तरफ। यानी किसकी तरफ? रोमन और ग्रीस का जो कल्चर और लिटरेचर या सिविलाइजेशन है उसकी तरफ। ठीक है, तो ये दो टर्म हो गए, रेनिसा और ह्यूमनिज्म। अब इस ह्यूमनिज्म के क्या परिणाम निकले, क्या हुआ, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे? देखो, पहली बात तो लोगों ने अपना ध्यान फोकस चेंज कर दिया, अब धर्म से वो सेकुलरिज्म तरफ बढ़ गए। ठीक है, धर्म से ध्यान हट गया और सेकुलर स्टडीज की तरफ चला गया। ठीक है, दूसरी चीज क्या हुआ कि लोगों का अब फोकस अपने जीवन पे, यानी वो जो अर्थ पे अपना जीवन बिता रहे ना, उसकी तरफ फोकस करने लगे। इसके बजाय कि पहले क्या था कि लोग इस बात पे ज्यादा ध्यान देते थे कि मैं मर जाऊंगा तो मरने के बाद में मैं कहाँ जाऊंगा, स्वर्ग में जाऊंगा कि नरक में जाऊंगा, तो मैं स्वर्ग या नरक में जाऊंगा तो वहां मेरे साथ कैसा व्यवहार होगा, तो मैं पाप कर रहा हूं कि पुण्य कर रहा हूं। मतलब लोगों का ध्यान इस बात पे होता था कि मैं मरने के बाद में क्या जीवन व्यतीत करूंगा, उसका जुगाड़ अभी से कर लूं। मतलब ये चीज, यानी लाइफ आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद का जो जीवन है ना, उसका जुगाड़ वो करते थे इस जीवन में धरती पर रह के, और इस धरती के जीवन पे फोकस ही नहीं करते थे। तो लोगों का फोकस अब लाइफ ऑन अर्थ हो गया इसके बजाय कि लाइफ आफ्टर डेथ, समझ गए? ठीक है, और इसी थिंकिंग ने रेनिसा को जन्म दिया एक तरीके से। क्योंकि देखो, रेनिसा, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, रेनिसा ह्यूमनिज्म, इंटरचेंज है बिल्कुल। आप ये बोल सकते हो कि रेनिसा ह्यूमनिज्म लाया कि ह्यूमनिज्म रेनिसा लाया, बात बराबर ही है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो देखो, क्योंकि रेनिसा में लोगों का इंटरेस्ट जागा दोबारे अपने पुराने कल्चर और सिविलाइजेशन को समझने के लिए, है ना। और वो इंटरेस्ट कब आएगा, जब लोग धर्म से ध्यान हटकाएंगे और अपने जीवन पे फोकस करेंगे या इस लाइफ पे फोकस करेंगे वो जी रहे हैं। ठीक है, और तभी वो इन सेकुलर स्टडीज पर ध्यान देंगे, साइंस की तरफ ध्यान देंगे, आर्ट कल्चर लिटरेचर की तरफ ध्यान देंगे, वरना धर्म में खोए रहेंगे। तो ये चीज है, तो ह्यूमनिज्म ने रेनिसा पे असर डाला, रेनिसा ने ह्यूमनिज्म पे असर डाला। ठीक है, दोनों ने एक दूसरे पे असर डाला है, दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो, रेनिसा का मतलब एक तरह से इमरजेंसी कॉज के कारण क्या क्या थे, मतलब ये तो चलो हमने एक मोटा मोटा समझा, परंतु तो इसके क्या क्या स्पेसिफिक कारण थे कि रेनिसा कैसे आया, उसका क्या कारण थे आने के। तो देखो, रेनिसा शुरुआत उसकी इटली से हुई, पहली बात तो सीधा हम ये देख लेते हैं, इटली से इसकी शुरुआत हुई थी। परंतु ये क्यों हुई वहां से शुरुआत, या फिर रेनिसा स्टार्ट कैसे हुआ? तो देखो, इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट रोल था दो बहुत बड़े राइटर्स का, पेट्रार्क और बोकाचियो या बोकाचो। ठीक है, इटली में, इटली में अलग तरह से प्रोनाउंस करते हैं, हम लोग थोड़ा अलग तरह से प्रोनाउंस करते हैं इसको। ठीक है, तो बोकाचियो पढ़ सकते हो, बोकाचो पढ़ सकते हो, तो पेट्रार्क एंड बोकाचियो ये दो राइटर्स थे, इनका बहुत बड़ा रोल था। ऐसा हुआ कि पेट्रार्क के पहले दांते थे, वो कैसे टॉपिक्स पे लिखा करते थे राइटिंग्स अपनी, वो लिखा करते थे भाई हेल, नरक, परगेटरी, पैराडाइज, स्वर्ग, इनके ऊपर टॉपिक्स पे लिखते थे। उनकी जो डिवाइन कॉमेडी दांते की सबसे फेमस किताब है डिवाइन कॉमेडी, वो इसी के ऊपर है, हेल, परगेटरी, पैराडाइज, इनकी यात्रा के ऊपर, कैसे स्वर्ग से नरक पहुंचा वगैरह वगैरह, ऐसी ये मतलब सब्जेक्ट था उसका, ऐसा टॉपिक था मतलब। तो वो ऐसे टॉपिक्स पे लिखा करते थे, परंतु पेट्रार्क ने दांते से उलट, क्योंकि पहले दांते आए उसके बाद पेट्रार्क थे, तो पेट्रार्क ने क्या किया, दांते से बिल्कुल अपोजिट जाके कैसे टॉपिक्स पे लिखा, लव, नेचर,
या रोम की ग्लोरीज, यानी जैसे रोम का साम्राज्य कितना बड़ा था उसकी प्रसिद्धियों के ऊपर लिखा, साथ में प्रकृति के ऊपर लिखा, प्यार के ऊपर लिखा, ऐसे टॉपिक्स पे लिखना उसने पसंद किया, रादर देन किसके बजाय कि हेल पे लिखू, नरक पे लिखू, कि पेराडाइज स्वर्ग पे लिखू, ऐसे जो भी नहीं लिखते थे। तो पेट्रार्क ने टॉपिक चेंज कर दिया, ठीक है, यानी रिलीजियस थीम्स, रिलीजियस टॉपिक्स पे नहीं लिखते थे वो। इसी तरीके से बोकैचियो, उसने भी क्या किया, लव लाफ्टर यानी प्रेम, हंसी मजाक, रोमांस, पैशन, इनके ऊपर लिखना स्टार्ट किया। तो इन्होंने टॉपिक सब्जेक्ट चेंज कर दिए, तो क्या हुआ, लोगों को अभी नए टॉपिक्स पढ़ने को मिले, तो लोगों का इंटरेस्ट दूसरे टॉपिक्स तरफ मतलब बढ़ा, वो धर्म से हटा और इन टॉपिक्स पर उनका इंटरेस्ट लोगों का बढ़ा। तो और लोगों का ध्यान, जैसे मैंने बताया, जैसे पेट्रार्क ने रोम की ग्लोरीज के ऊपर भी लिखा, यानी रोम पास्ट में कैसा हुआ करता था, उसकी कितनी महानता थी, उसके ऊपर लिखा। तो इन चीजों ने क्या किया, लोगों का पास्ट अचीवमेंट यानी खुद के देश की प्राचीन अचीवमेंट, उपलब्धियां थी, उनके कल्चर थी, उनके तरफ ध्यान लाया लोगों का, ठीक है, कि कैसी बिल्डिंग्स हुआ करती थी, कितनी महान महान बिल्डिंग्स है ना, कैसी मूर्तियां हुआ करती थी और कैसी दूसरी चीजें हुआ करती थी, उन सब चीजों को मतलब नोटिस में लाया गया, क्योंकि इन चीजों पर खुदाई होने लगी, नई नई तरह की चीजें पाई जाने लगी खुदाई में, है ना। और फिर लोगों का इंटरेस्ट और ज्यादा डेवलप होने लगा कि हमारा तो साम्राज्य कितना महान था, ऐसी चीजें, ये चीजें रीडिस्कवर होने लगी। साथ में ओविड, वर्जिल, ये जैसे बड़े बड़े राइटर्स थे, एंशंट मतलब राइटर्स थे, इनकी राइटिंग्स को दोबारा से लिखा जाने लगा, दोबारा से समझा जाने लगा, इनको दोबारा से रीडिस्कवर किया गया, तो लोगों का और इंटरेस्ट जागा। तो इन राइटर्स पेट्रार्क एंड बोकैचियो का स्पेसिफिक यानी बहुत इंपॉर्टेंट रोल हुआ एक तरीके से बोल सकते हो रेनेसां को लाने में, क्योंकि इन्होंने लोगों का इंटरेस्ट चेंज किया रिलीजियस बेस्ड स्टडीज यानी धर्म पर आधारित किताबें पढ़ने के बजाय, अब वो क्या पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं एंशियंट कल्चर और सिविलाइजेशन की महानताएं वाली किताबें, है ना, उन पर फोकस कर रहे हैं, लव नेचर पे फोकस कर रहे हैं, लाफ्टर, रोमांस, पैशन, इन टॉपिक्स पे पढ़ रहे हैं, है ना, ठीक है। अब देखो इस सब ने क्या किया, एक तरह से जैसे मैंने बताया अचीवमेंट यानी माइटी रोमन एम्पायर, महान रोमन एम्पायर की अचीवमेंट्स के बारे में लोगों को पता चला, लोग अब ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगे रोमन स्टडीज में, ठीक है। और साथ में इससे क्या हुआ, जो स्कॉलर्स थे जिनको रोम और ग्रीस की नॉलेज हुआ करती थी, है ना, उन स्कॉलर्स की मतलब एक तरीके से बोलते हैं रेस्पेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि जिन स्कॉलर्स को ज्ञान था रोमन एंटिक्विटीज का, आर्ट का, लिटरेचर का, रोम से संबंधित आर्ट लिटरेचर प्राचीन चीजों का जिनको ज्ञान था, अब उन ऑब्वियसली बात है उन स्कॉलर्स की एक तरह में इज्जत बढ़ गई, रेस्पेक्ट बढ़ गई, क्योंकि अब उनकी पूछ थी एक तरीके से, यानी लोग उनको पूछ रहे हैं उनके बारे में जानना, मतलब एक तरीके से क्योंकि उनकी डिमांड बढ़ गई ना, कि लोगों को जानना है अपने कल्चर के बारे में, सिविलाइजेशन के बारे में जानना है, तो कौन सिखाएगा, जिसको ज्ञान है वो सिखाएगा। तो ऑब्वियसली बात है रोमन स्कॉलर्स की एक तरीके से रेस्पेक्ट बढ़ गई उस जमाने में बहुत ज्यादा। अभी उसी दौरान क्या हुआ, एक बहुत बड़ी घटना हुई, घटना ये हुई कि जो कॉन्स्टेंटिनोपल था, अभी कॉन्स्टेंटिनोपल क्या है, कॉन्स्टेंटिनोपल बोल सकते हैं रोमन एम्पायर का पूर्वी हिस्सा था, ठीक है, ईस्टर्न हाफ था। अब कॉन्स्टेंटिनोपल जो था वो तुर्क्स के हाथों में चला गया 1453 में, 1453 में, है ना, तुर्क्स ने इसको कैप्चर्ड कर लिया, इसको अपने कब्जे में ले लिया। अब भैया ये था कि यहां से जो रोमन बोल सकते हैं कि स्कॉलर्स थे, ग्रीक स्कॉलर्स थे, वो भागने लगे, वो यहां से कहां भागने लगे, यूरोप की तरफ। एक्चुअल में उनको पहले से डर था कि तुर्क्स कभी भी हमला कर सकते हैं, इसलिए पहले से ही पलायन चल रहा था, लोग वैसे निकल निकल के जा रहे थे यहां से। परंतु जब कॉन्स्टेंटिनोपल पर सही में तुर्क्स ने कैप्चर कर लिया, इसको कब्जे में ले लिया, तो ग्रीक स्कॉलर्स, रोमन स्कॉलर्स वो यहां से निकल निकल के भागे और वो यूरोप की तरफ भागे बहुत ज्यादा मात्रा में। अब यूरोप में जैसे कंट्री इटली जैसे देशों ने इनका खुले दिल से स्वागत किया, क्योंकि वैसे ही वहां बहुत ज्यादा डिमांड थी रोमन और ग्रीक स्कॉलर्स की, कि लोगों को जानना था, ठीक है। तो अब जब ये स्कॉलर्स वहां से भाग भाग के आ रहे हैं, तो लोगों ने खुले दिल से इनका स्वागत किया, खासतौर पर इटली जैसे देश ने स्वागत किया, इसलिए इटली में रेनेसां सबसे पहले आया, क्योंकि इन्होंने इनका खूब स्वागत किया और ये लोग वहां जाके बस गए। अब इन लोग मतलब यूरोप के लोगों के हाथ में खजाना लग गया, क्यों, क्योंकि उनको एंशियंट रोम और एंशियंट ग्रीस इन दोनों की कल्चर लिटरेचर के बारे में जानने को मिलेगा, क्योंकि ये स्कॉलर सब इनके यहाँ के रहने लग गए, ठीक है। इसलिए क्या हुआ, इटली में सबसे पहले आर्ट और लिटरेचर का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ और डेवलपमेंट हुआ बहुत जबरदस्त इटली में, क्योंकि ये स्कॉलर्स वहां पहुंच गए, विद्वान लोग वहां पहुंच गए। तो देखो क्या हुआ, लिटरेरी प्रोडक्शंस में देखा जाए तो एरियोस्टो का ऑरलैंडो फ्यूरियोसो एक किताब है, ऑरलैंडो फ्यूरियोसो एक पोएम है एक्चुअल में, रोमांटिक पोएम ये लिखी गई इस दौरान। टेसो की किताब है जेरूसलम डेलीवर्ड, जेरूसलम डेलीवर्ड टेसो की किताब है, ये एक प्रोज में लिखा गया रोमांटिक एपिक है। और मेकियावेली का द प्रिंस बहुत ही पॉपुलर किताब है, पॉलिटिकल फिलोसफी पर आधारित किताब है द प्रिंस, मेकियावेली पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट ने पढ़ा होगा इसके बारे में ना।
ये तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट नाम लिए हैं, ये एरियोस्टो की, ऑरलैंडो फ्यूरियोसो, टैसो की जेरुसलम डेलिवर्ड, और मैकियावेली की द प्रिंस। ठीक है, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट थी, और भी बहुत सारी थी। तो ये बुक्स लिखी गई लिटरेरी प्रोडक्शन हुआ इस दौरान इन किताबों का। ठीक है, अब आर्टिस्ट कैसे हुए? लियोनार्डो द विंची, इसका नाम तो सबने सुना होगा। मोनालिसा तो सुनी है ना, मोनालिसा पेंटिंग, फेमस पेंटिंग, एक लेडी की सिंपल सी मुस्कुरा रही है, ब्लैक से कपड़े पहन रखे, सर्च करना गूगल पे मोनालिसा। ठीक है, तो मोनालिसा पेंटिंग लियोनार्डो द विंची ने बनाई थी। तो ये पेंटर थे, मूर्तिकार, स्कल्पचर थे, इंजीनियर भी थे। ठीक है, माइकल एंजेलो पेंटर भी थे और स्कल्पचर भी थे, यानी मूर्तिकार भी थे। रफायल पेंटर भी थे, एंड्रिया डेल सार्टो पेंटर थे, मतलब इतने बड़े बड़े पेंटर, स्कल्पचरिस्ट और ये इंजीनियर्स वगैरह, ये सब बोल सकते हैं कि इस दौरान इटली में डेवलप हुए, इटली में बने, मतलब इटली में पैदा हुए, वहां पे बड़े, उन्होंने मतलब इटली में अपना ज्ञान दिया, वहां पे अपना कंट्रीब्यूशन दिया। ये इंपॉर्टेंट नाम बताए, मतलब मैंने कुछ लिटरेरी प्रोडक्शन के बोल सकते हैं, और मेन आर्टिस्ट कौन कौन से थे इटली में उस वक्त। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि अगला कारण देखो, हमने दो स्पेसिफिक कारण पढ़ लिए कि पेट्रार्क और बोकैचियो का क्या रोल था, फिर कॉन्स्टेंटिनोपल की फॉल, तुर्कियों के हाथ में कॉन्स्टेंटिनोपल चला गया तो उसका क्या असर पड़ा। ठीक है, वहां से राइटर्स, वहां से स्कॉलर्स भागे यूरोप की तरफ और इटली में जाके बसे खास तौर पे, और वहां पे इतना ज्यादा आर्ट और कल्चर लिटरेचर का प्रोडक्शन हुआ। अब है आगे कि भाई जर्मनी में उस वक्त प्रिंटिंग की खोज हुई, किसकी खोज हुई? प्रिंटिंग की, जोहान गुटनबर्ग, या योहान गुटनबर्ग पढ़ सकते हैं इसको, इसने जर्मनी में प्रिंटिंग की खोज करी। अब जब किताबें छपना लग गई, पहले किताबें लिखी जाती थी केवल, अब इंसान कितने लिखेगा, कितनी कॉपीज लिख पाएगा, अब छपने लग गए मशीन से, तो फटाफट मशीन छपेंगी तो एक तो सस्ती बनेंगी और बहुत ज्यादा मात्रा में बनेंगी, तो किताबें इजीली अवेलेबल होने लगी और बहुत सस्ती अवेलेबल होने लगी, इजीली और चीपली अवेलेबल होने लगी। तो लोगों को क्या हुआ, नॉलेज बहुत ज्यादा मिलने लगी अलग अलग टॉपिक्स पे, तो लोग ब्रॉड माइंड होने लगे। जब लोगों को अलग अलग टॉपिक्स, थीम्स, सब्जेक्ट्स के ऊपर ज्ञान मिलने लगा, तो उनका दिमाग थोड़ा विस्तृत हुआ, ब्रॉड माइंडेड हुए, और वो एक तरीके से प्रेजुडिस से फ्री हुए, यानी कि लोग एक तरह से पूर्वाग्रह के शिकार होते हैं, कि वो पहले धारणा मान लेते हैं कि ऐसा है तो ऐसा है, अंधविश्वास में खोए रहते हैं, तो वो अंधविश्वास हटा लोगों का। ठीक है, इंडिविजुअलिज्म बढ़ी, एक इंसान की महत्वता क्या होती है उस पर फोकस किया गया, फ्री थिंकिंग को प्रमोट किया गया, लोगों को आजादी मिलने लगी, मतलब एक्चुअल में अपना दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है ये समझने के लिए, तो ये फ्री थिंकिंग डेवलप होने लगी। तो ये ज्ञान प्राप्त होने से ये सब इंसान के कैरेक्टर में ये विकास हुआ। ठीक है, और ये विकास क्यों हुआ, क्योंकि प्रिंटिंग की खोज हुई योहान गुटनबर्ग के द्वारा जर्मनी में। ठीक है, ये एक्चुअल में देखा जाए तो जो हमने अपनी पिछली वीडियोस में पढ़ा था, विलियम कैक्सटन का नाम तो याद होगा, कैक्सटन का नाम भूल गए? अरे कैसे भूल सकते हो, विलियम कैक्सटन का नाम, जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस स्टैब्लिश की थी इंग्लैंड में 1476 में। ठीक है, तो कैक्सटन इंग्लैंड में पहली बार लाए थे, बाकी प्रिंटिंग प्रेस उससे पहले ही खोज ली गई थी ऑलरेडी, वो किसने खोजी थी, ये थे योहान गुटनबर्ग ने। ठीक है, उसके बाद में इंग्लैंड में वो कैक्सटन ने खोली। तो प्रिंटिंग प्रेस का बहुत ज्यादा रोल हो जाता है, मतलब किताबें इजीली मिल रही हैं, इजीली छप रही हैं और सस्ती मिल रही हैं, जब मशीन से छपती है तो सस्ती भी पड़ेंगी, वो ज्यादा बनेंगी, हाथ से लिखने में तो बहुत टाइम लगता है किताब को, और उसके बाद में वो महंगी पड़ती है, तो कितनी मेहनत लगती है। तो ये चीज होने लगी, इससे ज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ और लोगों की थिंकिंग चेंज हुई, लोगों का कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ, एक कारण ये हो गया। फिर चौथा कारण, अमेरिका की खोज हुई उस वक्त, डिस्कवरी ऑफ अमेरिका। हुआ ये कि भैया अब अमेरिका की खोज हुई तो लोगों को पता चला कि यार अभी तो बहुत अजीब अजीब दुनियाएं भी हैं इस दुनिया, मतलब इस संसार में ऐसी ऐसी जमीनें हैं जिनकी हमने अभी तक खोज नहीं करी है। तो राजाओं ने प्रमोट किया, सेलर्स भागे इधर से उधर, और उन्होंने नई नई जमीनों को खोज किया, क्योंकि उनको ये था कि नई जमीन मिलेगी, नया खजाना मिलेगा, नई लैंड मिलेगी, वो हमारे देश की होगी। ठीक है, इस तरीके से, इस ध्यान से, और व्यापार धंधा बढ़ेगा, इस उम्मीद में, मतलब देखा जाए तो सेलर्स एनकरेज हुए और उन्होंने नए नए खजाने, नई जमीनों की खोज करने लगे। तो ये अमेरिका की डिस्कवरी ने भी एक तो रहनी सको कि देखो, पहले ये था कि लोगों को डर था कि अगर जमीन तो है चपटी, जमीन तो है चपटी, ये अर्थ कैसी है, चपटी है, गोल नहीं है, लोग सोचते चपटी है, तो हम आगे जाते जाएंगे जाएंगे तो एक दिन कहीं जाकर गिर जाएंगे इस तरह की चीज थी पहले, दिमाग में डर बैठा हुआ था। अब जब अमेरिका खोज हुई तो डर निकल गया कि यार जमीन, मतलब ऑब्वियसली बात है, इसका मतलब और भी जमीन होगी, और जो चलते गए बहुत सारी और भी बड़े बड़े सेलर्स से, उन्होंने चक्कर काट दिया पृथ्वी के पूरा पूरा, तो पता चला कि भैया पृथ्वी तो गोल है, चपटी नहीं है। तो ये चीजें, ये जो इस तरह की अमेरिका खोज ने एक तरह से लोगों को उत्साह दिया, एनकरेज किया कि हमें और खोजों पे जाना जाना चाहिए, जाना चाहिए। तो और खोजों पे गए, पता चला अर्थ तो गोल है, डर निकल गया। ठीक है, तो ये इसने भी रेनेसा को एनकरेज किया, क्योंकि लोग
एक तरीके से वो जो पहले की जो थिंकिंग थी वो चेंज हो गई लोगों की, कि अर्थ चपटी है, लोगों के दिमाग में डर निकल गया और लोग अब नए नए जमीन, नई नई एजुकेशन, नए नया कल्चर, नए नए सिविलाइजेशन को खोजने निकले हुए हैं, है ना, नए नए खजानों को खोज रहे हैं, वो नई चीजों की मतलब नया साइंस खोज रहे हैं, नई इन्वेंशन कर रहे हैं, नई डिस्कवरीज कर रहे हैं। ये सब चीजें जो हो रही थी ये रेनेसा के पार्ट थी। अब देखो इससे क्या हुआ, नई लर्निंग आई, फ्री थिंकिंग आई, नई साइंटिफिक थ्योरीज निकल के आई। कॉपरनिकस, गैलीलियो, केपलर से महान जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी। उन्होंने बताया कि भाई अर्थ के मतलब बेसिकली अर्थ सेंटर नहीं है यूनिवर्स का, ठीक है। सूरज के चक्कर काटते हैं हम लोग, पहले ऐसा था कि अर्थ के चक्कर काटता है सूरज ऐसा सोचते थे हम लोग, परंतु सूरज के हम लोग चक्कर काट रहे हैं, ये चीज बताई इन लोगों ने। इन्होंने बताया कि क्या बोलते हैं अर्थ गोल है, इन्होंने बताया कि सोलर सिस्टम में इतने वो क्या बोलते हैं ग्रह हैं, वो हैं वो सब। वैसे तो हमारे जो भारत की जो सभ्यता है इसमें ऑलरेडी 1000 साल पहले ही सब कुछ पता था हम लोगों को, ठीक है, परंतु अभी हम ये पढ़ रहे हैं तो ये पढ़ेंगे। तो ये सब चीजों ने रनिसा को आगे बढ़ाया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है लोगों की थिंकिंग डेवलप हुई, फ्री थिंकिंग ने लोगों को मौका दिया कि भाई धर्म से बाहर निकल के भी बहुत बड़ी दुनिया है, उसको पढ़ने का मौका दिया, उसको समझने का मौका दिया। अब देखो रेनिसा के क्या परिणाम हुए, रेनिसा का परिणाम सबसे बड़ा परिणाम तो ये हुआ रेनिसा का रिफॉर्मेशन, सुधार आंदोलन। देखो रेनिसा और ह्यूमनिज्म कहां ले गए हमको, रिफॉर्मेशन की तरफ ले गए, सुधार आंदोलन तरफ। अभी सुधार किस में लाना है, सुधार आएगा बेटा रिलीजन में, धर्म में। तो देखो रिफॉर्मेशन का अर्थ क्या है, रिफॉर्मेशन एक आंदोलन था, एक रिवोल्यूशन था फील्ड ऑफ रिलीजन में, धर्म के क्षेत्र में सुधार लाने का एक आंदोलन, जहां लोग अपनी फ्री थिंकिंग का इस्तेमाल करते हुए और साइंटिफिक टेंपर हर चीज को इस बात से तोलना कि पहले मैं जांचूंगा परखूंगा फिर डिसाइड करूंगा क्या सही है क्या गलत है, उसे बोलते हैं साइंटिफिक टेंपर। तो है ना, लोग अपनी फ्री थिंकिंग और साइंटिफिक टेंपर का इस्तेमाल करते हुए चर्च की बुराई और चर्च के करप्शन पे सवाल उठाने लगे, ठीक है, समझे। रिफॉर्मेशन क्या है, सुधार, किसमें सुधार, धर्म में सुधार, कि धर्म में भी हमें सुधार की आवश्यकता है। ये जो चर्च है ना, जिस संस्था को हमने मिडिल एजेस में चर्च का दबदबा था, सब कुछ चर्च कहता वैसा ही होता, लोगों का दिमाग पूरी तरह बंद था, चर्च के कहे अनुसार चल रहे थे सबके साथ, ठीक है। तो अब लोग चर्च पे सवाल उठाने लगे, चर्च की बुराई, चर्च के करप्शन पे क्वेश्चन करने लगे और धर्म में सुधार की डिमांड करने लगे। ये था रिफॉर्मेशन। अब रिफॉर्मेशन को मजबूती किसने दी, रिफॉर्मेशन आया कैसे, मतलब किस किस चीज ने रिफॉर्मेशन को मजबूत बनाया, इस सुधार आंदोलन को मजबूत बनाया, सुधार आंदोलन को आगे बढ़ाया, किसने बढ़ाया, वो कौन कौन थे, क्या कारण थे। देखो जॉन वाइक्लिफ का हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि 14वीं सेंचुरी में जॉन वाइक्लिफ वो थे ना जिन्होंने चर्च की बुराइयों पर सवाल उठाया था, उनके फॉलोअर्स थे लोलार्ड करके, ठीक है, वो हमने पढ़ा ऑलरेडी। ऐसे ही यूहान हस करके बोहेमिया जगह, आजकल चेकोस्लोवाकिया नाम का देश है, मतलब चेक रिपब्लिक बोलते हैं उसको अब तो, चेकोस्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक है ना, पहले चेकोस्लोवाकिया बोलते थे, तो उससे पहले मतलब बोहेमिया बोलते थे। तो बोहेमिया के यूहान हस ने भी वही काम किया 15वीं सेंचुरी में जो काम जॉन वाइक्लिफ ने किया था, ठीक है, परंतु इनको बेचारे को दबा दिया गया, इनको जला दिया गया, मार दिया गया, ठीक है। फिर बाद में आए मार्टिन लूथर, मार्टिन लूथर ने क्या किया, चर्च के खिलाफ जाते हुए 95 थीसिस, नाम याद रखना 95 थीसिस, ठीक है, ये 95 थीसिस नाम की किताब लिखी और इसको विटनबर्ग के चर्च के दरवाजे पे जाके चिपका दिया, मतलब कि भाई मैं आवाज उठाता हूं किसके खिलाफ, पेपल इंटेलिजेंसिस के खिलाफ या सेल ऑफ इंटेलिजेंसिस के खिलाफ। ये सेल ऑफ इंटेलिजेंसिस क्या है ये समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। देखो सेल ऑफ इंटेलिजेंसिस ये क्या है, ऐसा है कि भैया लोग करते थे पाप, ठीक है, अब पाप करेंगे तो क्योंकि चर्च ने तो धर्म ही धर्म दिमाग में घुसा रखा है, तो पाप करेंगे तो दिमाग में ये रहेगा कि भाई अब मरने के बाद में तो नरक में जाना पड़ेगा, ठीक है, कर्मों का भग मतलब फल भोगना पड़ेगा। तो चर्च ने स्कीम निकाली, लालची लोगों ने, जो करप्ट लोगों ने स्कीम निकाली, ऐसा करते हैं धन कमाने का बढ़िया तरीका, लोगों के दिमाग में तो डर बैठा ही हुआ है, तो क्यों ना उनसे बोलें, उनको मतलब ऑफर दिया जाए, एक स्कीम निकाली कि भाई हम तुम्हारे पाप माफ करवा देंगे, इसके बदले में पेनल्टी, तो पेनल्टी रोकड़ा निकालो रोकड़ा। तो क्या हुआ, लोगों से पेनल्टी लेने लगे कि तुम हमको पैसा दो हम तुम्हें माफी दिला देंगे, यानी कि जैसे दुकानदार सामान बेच के हमसे पैसा लेता है ना, उसी तरीके से ये माफी बेच के पैसा ले रहे थे पेनल्टी के रूप में, कि तुमने पाप किया पेनल्टी तो लगेगी, तो पेनल्टी दो हम तुम्हारा मतलब पाप धुलवा देंगे, इस तरह से तुम्हें नरक में जाना नहीं पड़ेगा। इसको बोलते हैं सेल ऑफ इंडल्जेंसेस,
यानी बिक्री की जा रही है माफी की, ठीक है। तो मार्टिन लूथर ने इस सेल ऑफ इंडलजेंस के खिलाफ आवाज उठाई और 95 थीसिस नाम की किताब लिखी, ठीक है, और चर्च की बुराइयों को उजागर किया, उनका विरोध किया, ठीक है। अब ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में ज्यूरिख मतलब सिटी है, तो वहां पे एक पुजारी था प्रीस्ट ज्विंगली करके, ठीक है, इन भाई साहब ने भी रिफॉर्मेशन को आगे बढ़ाया और चर्च में सुधार की मांग करी, इनका भी बड़ा रोल था। तो ये जॉन वाइक्लेफ है ना, योहान हर्स, मार्टिन लूथर, ये ज्विंगली, ये सब वो महान शख्स थे जिन्होंने रिफॉर्मेशन सुधार आंदोलन को आगे लेके गए। इस तरह से जॉन कैल्विन भी थे, इनके नाम पे तो कैल्विनिज्म नाम का एक तरीके से बोल सकते हैं, एक तरह से क्रिश्चियनिटी का ही एक पाथ, एक रास्ता, धर्म का एक रास्ता था, एक्चुअली में प्रोटेस्टेंटिज्म बोलते हैं उसको। अब इसके बारे में बताऊंगा मैं कि प्रोटेस्टेंट्स क्या होते हैं, देखो यहीं से बता देता हूँ, ज्यादा इजी रहेगा समझने में, है ना। तो क्योंकि पहले था रोमन कैथोलिक चर्च, रोमन कैथोलिक चर्च था, यही चला आ रहा था, अब सारी बुराइयां इसी में व्याप्त थी, रोमन कैथोलिसिज्म, ठीक है, रोमन कैथोलिसिज्म में सब बुराइयां व्याप्त थी। तो अब धर्म तो चाहिए ना, तो जो लोग रिफॉर्मेशन का मांग करते, डिमांड करते, तो उन्होंने एक तरीके से क्रिश्चियनिटी की एक नई ब्रांच खोल दी, जिसको बोलते हैं प्रोटेस्टेंटिज्म, यानी कि क्रिश्चियनिटी की दो ब्रांच हो गई एक तरह से, पहले एक और ब्रांच हुआ करती थी वैसे, ऑर्थोडॉक्सी करके भी था, है ना, क्रिश्चियन ऑर्थोडॉक्सी करके, यानी कि रोमन कैथोलिसिज्म और क्रिश्चियन ऑर्थोडॉक्सी, दो ब्रांच ऑलरेडी थी एक तरीके से, और दोनों दोनों मतलब पुराने ख्याल की उस तरह की ब्रांचेस थी। अब एक नई शाखा निकल के आ गई जिसको बोलते हैं प्रोटेस्टेंटिज्म। अब ये प्रोटेस्टेंटिज्म जो है ना, इसका जो पहला शब्द है प्रोटेस्टेंट, मतलब आधा हिस्सा प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध। तो ये प्रोटेस्टेंटिज्म यानी प्रोटेस्टेंट्स आए कहां से, जिन्होंने रोमन कैथोलिक्स का विरोध किया ना, ये वही लोग थे, यानी कि उन्होंने अपना एक नया धर्म, धर्म की नई ब्रांच निकाल दी, जिसमें रोमन कैथोलिक्स में जो बुराइयां थी वो इनमें नहीं थी। इन्होंने बोला कि रोमन कैथोलिक्स की बुराइयों को हटा के हम अपना एक नई ब्रांच खोलते हैं, वो है प्रोटेस्टेंटिज्म। तो ये कैल्विनिज्म भी है ना, ये भी एक तरह का प्रोटेस्टेंटिज्म ही था, ठीक है, कि यानी कि रोमन कैथोलिक की बुराई हटा के धर्म की एक नई ब्रांच निकाली प्रोटेस्टेंटिज्म करके, ठीक है। और ये बहुत स्पीड से फैली, क्या ये कैल्विनिज्म जो कि प्रोटेस्टेंट्स का ही एक फॉर्म था, एक रूप था, ये इंग्लैंड में, स्कॉटलैंड में, नेदरलैंड में, जर्मनी, हंगरी, सब जगह फैल गई। उस वक्त प्रोटेस्टेंटिज्म बहुत स्पीड से फैल रही थी, प्रोटेस्टेंट्स का बोलबाला था, तो कैथोलिक्स के खिलाफ थे सबके साथ, सुधार आंदोलन चल रहा था, कैथोलिक्स में बहुत ज्यादा बुराई थी, तो उनके खिलाफ थे, और प्रोटेस्टेंट्स अब बढ़ रहे थे, फैल रहे थे, इनके अलग अलग रूप फैल रहे थे, ठीक है। जॉन कैल्विन का बड़ा रोल हो गया। इरास्मस राइटर थे, इरास्मस, इन्होंने एक किताब लिखी थी प्रेज ऑफ फॉली, इसका दूसरा नाम भी है एनकोमियम मोरे, ठीक है। तो भैया ये जो इरास्मस जी हैं, जिन्होंने प्रेज ऑफ फॉली लिखी है, या एनकोमियम मोरे भी बोल सकते हैं इसको, ये लिखी है, इन्होंने इसमें फॉली मतलब गलतियां होती है, चर्च की गलतियों के ऊपर विशेषकर ध्यान दिया, वैसे तो आम जीवन की गलतियों पे था, परंतु चर्च की गलतियों पे स्पेशली ध्यान दिया, और चर्च की बुराइयों को उजागर किया इन्होंने भी, तो इनका भी बड़ा रोल था इरास्मस की राइटिंग्स का। अब देखो राजाओं पे आते हैं, हेनरी सेवन हुए, हेनरी सेवन ने काफी सारी पॉलिटिकल मैरिजेस करी, मतलब ऐसी ऐसी शादियां करी बड़े बड़े राजा महाराजाओं से, मतलब जहां उससे राजनीतिक फायदा मिले, धन दौलत मिले, ऐसी शादियां करी। उन्हीं शादियों से एक बच्चा पैदा हुआ हेनरी एट्थ करके, ठीक है। हेनरी एट्थ की शादी भी उन्होंने ऐसी सोच समझ के करवाई, कहाँ करवाई, स्पेन की प्रिंसेस कैथरीन से करवाई, ठीक है। हेनरी एट्थ की शादी स्पेन की प्रिंसेस कैथरीन से करवाई, परंतु ऐसा हुआ कि कैथरीन के कोई लड़का पैदा नहीं हुआ। हेनरी एट्थ इस बात से बड़ा खफा कि मेरे तो लड़का नहीं हुआ, लड़की पैदा हो गई, ठीक है। अब लड़का हो नहीं पा रहा, तो इन्होंने क्या चाहा कि भाई मैं तो कैथरीन को दूंगा तलाक। तो पोप से बोला कि तलाक दिलवा मुझे। अब पहले तलाक चर्च में होते थे, पोप दिलवाता था, पोप ने मना कर दिया प्रेशर में आके, क्योंकि उसको डर था कि स्पेन का राजा नाराज हो जाएगा, स्पेन है ना, तो उसने मना कर दिया कि भाई मैं तो तेरे को तलाक नहीं दिलवाऊंगा। तो भैया हेनरी एट्थ ने बोल दिया मैं तेरा त्याग करता हूँ, पोप को बोल दिया मैं तेरा त्याग करता हूँ, छोड़ दिया पोप को कि जरूरत नहीं है तेरी तलाक की, तलाक का इंजाम हम खुद कर लेंगे, यानी अब राजा के कोर्ट में तलाक हुआ करेंगे लोगों की, मतलब पोप का त्याग कर दिया, ठीक है। राजा बोला मैं खुद अपने कोर्ट में तलाक करवा लूंगा, मेरा ही नहीं दूसरों का भी, इस तरीके से खुद के कोर्ट्स में। इस बात का पार्लियामेंट ने सपोर्ट किया, उस वक्त जो पार्लियामेंट थी, और एक एक्ट, एक कानून बना दिया एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी करके, 1529 में एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी नाम का कानून बना दिया। सुप्रीमेसी, इस एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी के में क्या था, इसमें यह था कि जो इंग्लैंड में जो चर्च का हेड होगा ना, वो राजा बना दिया, यानी हेनरी एट्थ बन गया अब सभी चर्चों का हेड, ठीक है। और हेनरी ने क्या किया कि भाई जो भी मेरा विरोध करेगा ना कि भाई मैं चर्च का हेड नहीं हूं, यानी मुझे चर्च का हेड मानने से विरोध करेगा, उसका मैं सिर कलम कर दूंगा।
भैया इसी के बलि चढ़ गए थॉमस मोर नाम के बहुत ही महान शख्स। थॉमस मोर बहुत बड़े राइटर थे, इन्होंने यूटोपिया नाम की किताब लिखी थी, यूटोपिया, है ना। ये किताब के बारे में आप पढ़ेंगे, जनरल नॉलेज में पढ़ते होंगे, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे। यूटोपिया नाम की किताब लिखी थी थॉमस मूर ने, और भैया इन्होंने भी विरोध किया राजा का कि तुम हेड नहीं हो चर्च के, तो राजा ने, हेनरी एट ने इनकी भी गर्दन कटवा दी। फिर हेनरी एट ने क्या किया, चर्च यानी मोनेस्ट्रीज की जमीन को हड़प लिया, मतलब मोनेस्ट्रीज को भंग कर दिया, उनकी जमीन को हड़प लिया, चर्च की जमीन को हड़प लिया, और उस जमीन को अपने नोबल्स, अपने मंत्रियों में बांट दिया, ठीक है। और ये वो नोबल्स थे जिन्होंने रिफॉर्मेशन को आगे बढ़ाया, सुधार आंदोलन को। क्यों बढ़ाया सुधार आंदोलन को आगे? क्योंकि इनको इस बात का डर था कि दोबारे से अगर कैथोलिक, रोमन कैथोलिक्स दोबारे डेवलप हो गए, दोबारे विकसित हो गए, दोबारे पावरफुल हो गए, दोबारे से आ गए, तो हमने जो चर्च की जमीन हमें मतलब मिली है बंटवारे में, यानी जो राजा ने हमको दिए चर्च की जमीन, वो रोमन कैथोलिक हमसे दोबारे वो जमीन छीन लेंगे। तो रोमन कैथोलिक्स ना आ सके इसलिए ये लोग रिफॉर्मेशन को बढ़ावा दे रहे थे, और प्रोटेस्टेंटिज्म फैल रहा था। मतलब सबके अपने अपने इंटरेस्ट जुड़े हुए थे। तो हेनरी एट के नोबल्स जिनको चर्च की जमीन मिली, मतलब राजा ने चर्च को भंग कर करके जो जमीन इकट्ठा करी, वो जमीन इनको मिली नोबल्स को, तो नोबल्स ने भी रिफॉर्मेशन को खूब बढ़ावा दिया कि भैया बढ़िया, अच्छा है, रिफॉर्मेशन चलता रहे, सुधार आंदोलन चलता रहे, जिससे रोमन कैथोलिक्स खत्म हो जाए और ये चर्च की जमीन जो हमको मिली है ये हमसे कोई ना ले दोबारा, ठीक है। अब अगला देखो रोल, अब हेनरी एट का रोल क्या था हमने समझ लिया, ठीक है, क्योंकि किस तरीके से रिफॉर्मेशन को बढ़ावा मिला, क्योंकि इसने कैथोलिक्स को खत्म कर दिया, एक तरीके से पोप की शक्ति को मानने से मना कर दिया, तो फिर रिफॉर्मेशन को बढ़ावा मिला। कैसे मिला? पचला जमीन भंग करी, नोबल्स को दी, नोबल्स ने रिफॉर्मेशन को बढ़ाया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब है बाइबल का ट्रांसलेशन किया माइल्स कोवर्डेल ने। अब पहले बाइबल किस भाषा में हुआ करती थी? बाइबल हुआ करती थी लैटिन भाषा में। अब लैटिन भाषा केवल विद्वान लोग पढ़ सकते थे, समझ सकते थे, आम जनता की बस की बात नहीं थी लैटिन पढ़ना। तो ऐसा था कि माइल्स कोवर्डेल नाम के व्यक्ति ने बाइबल को ट्रांसलेट कर दिया, किसमें? लोकल भाषा में ट्रांसलेट कर दिया। अब बाइबल पहुंच गई घर घर, प्रिंटिंग तो स्टार्ट हो ही गई थी ऑलरेडी, ठीक है, यानी किताबें छपना शुरू हो ही गई, हमने थोड़ी देर पहले बताया मैंने, प्रिंटिंग स्टैब्लिश हो गई थी जर्मनी में, और वो वहां से फिर स्प्रेड हो गई अलग अलग जगह। तो भैया अब बाइबल भी छपने लग गई, और बाइबल अब लोकल लैंग्वेज में छपने लगी, क्योंकि उसका ट्रांसलेशन, उसका अनुवाद हो गया है लोकल लैंग्वेज में। तो जब घर घर पहुंच गई बाइबल, तो लोगों ने देखा कि भाई हम चर्च की क्यों माने, बाइबल में सब कुछ बढ़िया लिखा हुआ है, हम तो इसी को फॉलो कर लेंगे। लोग घर घर बाइबल पहुंच गई, लोगों ने बाइबल पढ़ ली। अब बाइबल पढ़ ली तो लोगों के दिमाग में आया कि हम बाइबल को ही फॉलो करेंगे ना, चर्च को क्यों फॉलो करते हैं, हमें क्या जरूरत है रोमन कैथोलिकिज्म वगैरह इनकी, हम तो बाइबल को ही फॉलो करेंगे। तो इस बात से भी रिफॉर्मेशन, सुधार आंदोलन को बढ़ावा मिला और कैथोलिकिज्म को नुकसान हुआ, ठीक है। फिर आगे देखो मैरी, अभी मैरी कौन है? हेनरी एट की जो कैथरीन रानी से जो पहली लड़की पैदा हुई थी, है ना, जिसके बाद में वो उसने मतलब तलाक दे दिया उसको, क्या बोलते हैं, कैथरीन को, वो लड़की है मैरी थी। एक्चुअल में हेनरी एट के तीन बच्चे थे, दो तो लड़कियां थी और एक लड़का था, है ना। तो उनकी जो सबसे बड़ी लड़की थी वो मैरी थी, जो पहली पहली पत्नी से हुई थी पैदा। तो ये जो मैरी थी ना, इस मैरी ने क्या किया भैया, इसकी माँ कैथरीन है ना वो कैथोलिक थी, तो ये मैरी भी कैथोलिक थी, ये भी कैथोलिक धर्म को फॉलो करने वाली थी, क्रिश्चियनिटी के कैथोलिक धर्म को ही फॉलो, कैथोलिक ब्रांच को ही फॉलो करने वाली थी ये भी, तो अपनी माँ के पीछे पीछे। तो इसने क्या किया, कोई 300 प्रोटेस्टेंट्स को क्या कर दिया, मरवा दिया। तो भैया मैरी है ना, इस बात से जान जाती है, मतलब इसका और कोई रोल नहीं, इसको बस ये देखे जाता है, मतलब कि इसको टाइटल दे दिया ब्लडी मैरी, खूनी मैरी का टाइटल दे दिया इसको, क्योंकि इसने 300 प्रोटेस्टेंट से को मतलब मरवा दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि बेसिकली कैथोलिक्स को आगे बढ़ाने के लिए कि प्रोटेस्टेंट्स को खत्म करवा दूंगी, कैथोलिक्स को आगे बढ़ाऊंगी। परंतु जब आप इतना घिनौना काम करते हो तो आप अपने धर्म का नुकसान कर रहे हो, मतलब लोगों के भावना में, फिर कैथोलिक्स के मन, मतलब कैथोलिक्स के प्रति लोगों के मन में बहुत बुराई, मतलब और बहुत ज्यादा नफरत आ गई कि ये कैथोलिक्स तो धर्म ही बेकार है, मतलब ये तो ब्रांच ही बेकार है, ये तो ऐसा काम करवाते हैं, लोगों से मरवा लेते हैं, ठीक है। तो इसने उल्टा नुकसान ही कर दिया कैथोलिक्स का। फिर बाद में आती एलिजाबैथ, 1558 से 1603, एलिजाबेथन पीरियड तो हम लिटरेचर में खासतौर पढ़ेंगे, विलियम शेक्सपियर से पढ़ेंगे, ठीक है। अब एलिजाबेथन ने क्या किया, एलिजाबेथ ने प्रोटेस्टेंटिज्म को दोबारा से रिस्टोर किया, मैरी ने एक्चुअल में कैथोलिक्स को रिस्टोर कर दिया था और उसने प्रोटेस्टेंट्स को मरवाना शुरू कर दिया था। तो एलिजाबेथ ने क्या किया बाद में, प्रोटेस्टेंटिज्म को रिस्टोर कर दिया, परंतु एलिजाबेथ थी ना वो कट्टर नहीं थी, उसने कैथोलिक्स को कोई मरवाया वरवाया नहीं, मतलब इसने इसने प्रोटेस्टेंटिज्म को रिस्टोर किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसने कैथोलिक्स के ऊपर हमला कर दिया है, फिर उनको इसके हिसाब से सब धर्म अपने आप से चलते रहो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बस हेड मुझे मान लो, चर्च की हेड मैं रहूंगी, बाकी तुम अपना अपना काम सब करते रहो, मुझे किसी धर्म से कोई समस्या नहीं है। तो ये एब्सोल्यूट रूलर थी, अपनी चलाती थी, परंतु इसने कोई कट्टरवादी सोच नहीं रखी ऐसा।
और इसको पार्लियामेंट का पूरा सपोर्ट मिला। तो इसके टाइम में आर्ट और लिटरेचर खूब बढ़े, खूब फले फूले, खूब विकसित हुए इस दौरान। और आपने तो विशेष कॉलम हम पढ़ेंगे कि शेक्सपियर भी इन्हीं के टाइम पे हुए। और इस तरीके से ज्ञान, विज्ञान, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर सबका प्रचार प्रसार खूब हुआ इनके टाइम पे। तो ये कारण थे सुधार आंदोलन को, मतलब कैसे बढ़ावा मिला। जॉन वाइक्लेव, जॉन योहान हस, मार्टिन लूथर, ज्विंगली, जॉन कैल्विन, रेसमस, हेनरी एट, जो बाइबल थी माइल्स कोवरडेल के द्वारा ट्रांसलेट की गई, उसका क्या क्या असर हुआ, मैरी का क्या रोल था, एलिजाबेथ का क्या रोल था, ये सब हमने टोटल पढ़े। कैसे इन्होंने सुधार आंदोलन को बढ़ावा मिला, इनके इनके कर्मों ने सुधार आंदोलन को बढ़ावा दिया, ऐसे बोल सकते हैं। इन्होंने खुद ने, कईयों ने तो खुद ने जानबूझ के बढ़ावा दिया, और कईयों ने एक तरह से कईयों के कर्मों ने सुधार आंदोलन को बढ़ावा दे दिया। तो ये इस तरह से रिफॉर्मेशन स्ट्रेंथन हुआ, मजबूत हुआ। तो ये हो गया हमारा चैप्टर कि रेनिसा क्या था, ह्यूमनिज्म क्या था, समझ गए ना। रेनिसा लंबी निद्रा से जाग के इंसान दोबारा, मतलब मिडिल एजेस की जो लंबी निद्रा थी, जो सोए हुए थे चर्च के चक्कर में, खोए हुए थे, उससे जाग गए और ध्यान कहाँ गया, रोम और ग्रीस के कल्चर, लिटरेचर, आर्ट की तरफ गया। उसी को हम ह्यूमनिज्म समझते हैं। और इसे ह्यूमनिज्म से एक तरीके से फ्री थिंकिंग हुई लोगों की, फ्री थिंकिंग डेवलप हुई, लोगों का कैरेक्टर डेवलप हुआ, लोग अपनी सोचने शक्ति की, मतलब सोचने समझने की शक्ति का इस्तेमाल करने लगे। रेनेसा को डेवलपमेंट मिला। फिर रेनेसा कैसे आया, पेट्रार्क और बोकैचियो का क्या रोल रहा, कॉन्स्टेंटिनोपल के फॉल, तुर्कियों के हाथों में चले जाने से क्या हुआ, स्कॉलर्स भागे वहां से यूरोप की तरफ आए, ठीक है। फिर प्रिंटिंग, गुटनबर्ग के द्वारा, जब योहान गुटनबर्ग ने जब प्रिंटिंग को स्टैब्लिश किया, तो उससे क्या हुआ, किताबें बहुत आसानी से छपने लगी, इजीली मिलने लगी लोगों का, और ज्ञान प्रचार प्रसार बढ़ा, ज्ञान बढ़ा, सोचने समझने की शक्ति बढ़ी, थिंकिंग बढ़ी, ठीक है। अमेरिका खोज ने, मतलब एक तरह से लोगों को खोज करने के लिए इनकरेज किया, ये सब चीजें हुई। फिर रेनिसा का परिणाम ये हुआ कि सुधार आंदोलन आया, है ना, रिफॉर्मेशन आया। रिफॉर्मेशन मतलब धर्म के अंदर सुधार, ठीक है। और रिफॉर्मेशन कैसे कैसे आगे बढ़ा हमने अभी पढ़ा। तो ये हुआ आज का अपना लेक्चर, अपनी वीडियो, रेनिसा, ह्यूमनिज्म और रिफॉर्मेशन के ऊपर, ठीक है बच्चों। मैं मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन गुड बाय, सी यू सून, टेक केयर, और हाँ पढ़ते रहना।